तो बच्चों अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ठीक है, और यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश, यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। ठीक बच्चों, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये हमने मानी 2a, क्या माना 2a, इसे हमने माना 2a, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका सेंटर, मान लो कि ये सेंटर है, तो यहाँ से इस सेंटर O से यहाँ तक की दूरी प्लस Q तक की दूरी a, और सेंटर से माइनस Q तक की दूरी ये भी कितनी है a। ठीक बच्चों, अच्छा निरक्ष क्या होती है? निरक्ष होती है बच्चों विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंब अर्धक रेखा को हम क्या बोलते हैं? निरक्ष। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? निरक्ष। अच्छा, ये लंबवत बनानी है बिल्कुल। ठीक ठीक है बच्चों, ये निरक्ष रेखा है, केंद्र O से इस निरक्ष रेखा पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है C। ठीक, इस बिंदु C पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक बच्चों, तो यहाँ तीव्रता दो आवेशों के कारण है, माइनस Q और प्लस Q के कारण। जब हम प्लस Q के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, सही बात है ना। और जब हम माइनस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये बिंदु भी था। ठीक बच्चों, प्लस क्यू के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? इसी रेखा के अनुदिश आवेश से दूर, मतलब इस रेखा का अनुदिश, इसे नाम दिया ई प्लस क्यू सदिश। ठीक है, बोलो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता इस रेखा का अनुदिश आवेश की ओर, इसे नाम दिया ई माइनस क्यू सदिश। ठीक बच्चों, चूंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो ये A, ये R और ये 90 डिग्री, ये A, ये R और ये समकोण त्रिभुज है, मतलब AC जो है ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये BC, ये भी कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, अच्छा एक बात और, यहाँ से बिंदु सी से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। देखो ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा। अच्छा ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा एकांतर कोण से, और ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा संगत कोण से। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो e माइनस क्यू और e प्लस क्यू, e माइनस क्यू और e प्लस क्यू, ये ना तो ऐसे क्षैतिज में है और ना ऊर्ध्वाधर में है। तो बच्चों हमें e प्लस क्यू और e माइनस क्यू के घटक करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम यहाँ चित्र बना लेते हैं, अच्छा सा साफ सुथरा चित्र। देखो e प्लस क्यू के घटक, इसका ये घटक क्या आएगा? बोलो बोलो फटाफट क्या आएगा? e प्लस क्यू कोस थीटा। अच्छा ये घटक क्या आएगा? e प्लस क्यू साइन थीटा, सही है ना। इसी तरह इसका ये घटक क्या आएगा? बोलो e माइनस क्यू कोस थीटा, और इसका ये घटक क्या आएगा? बोलो e माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको नाम देंगे चित्र सेकंड, चित्र सेकंड। ठीक बच्चों, एक बात और, अच्छा विद्युत द्विध्रुव उनकी दिशा पता है क्या आपको क्या होती है?
माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी बच्चों इस डायरेक्शन में, ये पी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश। ठीक बच्चों, अब हम प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रताएं ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, बोलो क्या आएगी, बोलो बोलो, ई प्लस क्यू, ये बराबर है किसके, के क्यू बटे यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे, के क्यू, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो इसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये समीकरण नंबर एक। अच्छा, इसी तरह, इसी तरह माइनस क्यू के कारण सी पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण, बोलो सी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, बोलो ई माइनस क्यू बराबर के क्यू बटे दूरी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ई माइनस क्यू बराबर होगा बच्चों, बोलो क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण दो। अब बच्चों समीकरण एक और समीकरण दो को ध्यान से देखो, तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर है, क्योंकि समीकरण एक व समीकरण दो से, बोलो e प्लस क्यू बराबर है e माइनस क्यू के, e प्लस क्यू बराबर है e माइनस क्यू के। तो बच्चों आप ध्यान दो, e प्लस क्यू और e माइनस क्यू बराबर, e प्लस क्यू और e माइनस क्यू बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो क्या बच्चों ये दोनों भी आपस में बराबर हैं क्या, तो बच्चों e प्लस क्यू साइन थीटा बराबर है e माइनस क्यू साइन थीटा के, e प्लस क्यू साइन थीटा बराबर है e माइनस क्यू साइन थीटा के। और इसी तरह बच्चों e प्लस क्यू कोस थीटा बराबर है e माइनस क्यू कोस थीटा के, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब हम यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो e प्लस क्यू और e माइनस क्यू, e प्लस क्यू और e माइनस क्यू, इनके जब हमने कंपोनेंट किए तो ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण के, समान परिमाण के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक बच्चों, यानी ये कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो गए, अब केवल कौन से कंपोनेंट बचे, ये कंपोनेंट। तो बच्चों परिणामी तीव्रता क्या होगी, ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, e प्लस क्यू कोस थीटा प्लस e माइनस क्यू कोस थीटा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो बच्चों इसी चित्र को हमने यहां बनाया था, इसी चित्र को हमने यहां बनाया था, तो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में, मतलब बच्चों e निरक्ष इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात और देखो, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, बोलो क्या आएगी, बोलो फटाफट, ई निरक्ष सदिश बराबर, बोलो क्या होगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा, डायरेक्शन बोलो, पी कैप इधर और माइनस पी कैप, सॉरी पी कैप इधर और ई निरक्ष इधर, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस पी कैप। ठीक है बच्चों, अच्छा इस माइनस को सबसे आगे लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ए निरक्ष ये सदिश बराबर होगा माइनस ये सबसे आगे, और इसे लिखा जा सकता है टू ई प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और ये पी के। अच्छा अब यहाँ से ई प्लस क्यू की वैल्यू तो हमें पता है समीकरण एक से, चूंकि e प्लस क्यू बराबर है
के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोमा, क्या हम कोस थीटा निकाल सकते हैं क्या त्रिभुज से? त्रिभुज ए ओ सी से, त्रिभुज ए ओ सी से कोस थीटा बराबर, बोलो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार देखो 90 डिग्री और थीटा, यानी ये आधार और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, ठीक है ना बच्चों? तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों मान यहाँ रख दें क्या? रखो मान ई निरक्ष सदिश बराबर होगा माइनस टू के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं और ये पी के, ठीक है। अब बच्चों इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना आप ध्यान से, ई निरक्ष सदिश ये बराबर होगा माइनस के क्यू इंटू टू ए, इस टू को ए के साथ लिख दिया, पी केप बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक और आधा, कितना डेढ़, मतलब 3/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ यदि हम ध्यान दें तो चूंकि क्यू इंटू टू ए बराबर है किसके, पी के, क्यू इंटू टू ए बराबर किसके, पी के। अच्छा एक बात और, चूंकि तथा ए आर बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो ए स्क्वायर लगभग बराबर कितना, जीरो, ए स्क्वायर लगभग बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ से बच्चों बोलो बोलो फटाफट क्या आएगा, ई निरक्ष सदिश बराबर होगा माइनस के पी पी केप बटे ये कितना, आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों यहाँ से चूंकि बोलो पी इंटू पी केप ये बराबर होता है किसके, पी सदिश के, और दो से ये कैंसिल, तो ई निरक्ष क्या आएगा, ई निरक्ष आएगा, ई निरक्ष सदिश बराबर आएगा माइनस के पी सदिश बटे आर क्यूब, ठीक बच्चों। ये किस रूप में फॉर्मूला है, किस रूप में है, सदिश रूप में। अच्छा परिमाण रूप में अगर लिखना चाहो तो परिमाण रूप में क्या लिखोगे, बोलो ई निरक्ष बराबर के पी बटे आर क्यूब, के पी बटे आर क्यूब, ठीक बच्चों। ये हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है।